चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ एंड कर्ल ऑफ वेक्टर एफ वेयर वेक्टर एफ इज दिस। तो पहले वेक्टर एफ पर डेल ऑपरेटर ऑलरेडी लगा हुआ है। सबसे पहले हम वेक्टर एफ पर डेल ऑपरेटर लगाते हैं, यानी कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई। तो इसका पहले डेल बाय डेल एक्स करते हैं, क्लियर। तो इसको जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x², क्लियर, माइनस 3yz, ब्रैकेट के बाहर आएगा आई कैप, क्लियर, प्लस जब अब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 3y² माइनस 3xz, क्लियर, ब्रैकेट के बाहर आएगा j कैप, प्लस 3z² माइनस, क्लियर, 3xy, ब्रैकेट के बाहर आएगा k कैप। अब हम सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ निकालते हैं। डाइवर्जेंस निकालना मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप। आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x, क्लियर, ये तो जीरो ही हो जाएगा, इसके साथ में एक्स का कोफिशियंट ही नहीं है। जे कैप का जे कैप के साथ प्लस 6y और के कैप का के कैप के साथ प्लस 6z। दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ एफ, क्लियर। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में निकालना है कर्ल ऑफ एफ। तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर जो होता है वो होता है आपका आई जे आर के, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, क्लियर। जहां पर आई का कोफिशियंट है 3x² माइनस 3yz, 3x² माइनस 3yz, ये हो जाएगा 3y² माइनस 3xz और ये हो जाएगा 3z² माइनस 3xy, क्लियर। तो आई कैप के साथ वाली वैल्यू आप लिख सकते हैं डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, क्लियर है ना, माइनस का 3x और डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका अब प्लस 3x माइनस जे, क्लियर। जे की वैल्यू आपको लिखनी है तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस वैल्यू, जैसे आप इसको डेल बाय डेल एक्स करेंगे माइनस का 3y दिस, माइनस माइनस प्लस डेल, अब आपको डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस करना पड़ेगा तो प्लस का 3y, सिमिलरली प्लस का के कैप, क्लियर। के का आपको आप रिड्यूस करते हैं तो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस 3z, माइनस का 3z एंड डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन तो आ जाएगा प्लस का 3z, सब कैंसिल, आउटपुट पर आ जाएगा 0, क्लियर, थैंक यू।